नमस्कार, स्मार्ट स्टडी विद यू में आप सभी का स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह, आज आपके सामने शॉर्ट नोट में नया लाया हूँ और वो है सूर्योदय मिशन सनराइज मिशन। इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक चर्चित है, चर्चित पॉइंट है। ठीक, चर्चा में यह मिशन नासा ने सूर्य से उत्पन्न होने वाले विशाल अंतरिक्ष सौर तूफानों का पता लगाने के लिए नए मिशन का चयन किया। नासा ने इस मिशन का चयन किया है कि सूर्य से उत्पन्न होने वाले विशाल अंतरिक्ष सौर तूफानों का पता लगाने के लिए। ठीक, उद्देश्य इसका क्या है? सनराइज मिशन जो है, इसका पूरा नाम क्या है? सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। फिर समझिए, सनराइज का पूरा नाम है सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। यह मिशन 6 क्यूबसेट का एक समूह है, 6 क्यूबसेट है जिसका एक समूह है, जो एक बड़े रेडियो टेलीस्कोप के रूप में काम करेगा। इसका उद्देश्य सूर्य से निकलने वाले अंतरिक्ष सौर कण तूफानों का अध्ययन करना। इसका जो उद्देश्य है, जो काम है, कि सूर्य से निकलने वाली अंतरिक्ष सौर कण तूफान का अध्ययन करना। यह सूर्य से निकलने वाले विकिरण से अंतरिक्ष और ग्रहों के वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी देगा। माफ करिएगा, यह सूर्य से निकलने वाले विकिरण से अंतरिक्ष और ग्रहों के वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी देगा। इसमें चंद्रमा और मंगल अभियानों पर जाने वाले यात्रियों को सौर तूफानों से बचने की जानकारी व मदद मिलेगी। जो भी चंद्रमा, चंद्रयान या मंगलयान या कहीं भी जाएंगे तो उन यात्रियों को पूरी जानकारी मिल जाएगी कि अंतरिक्ष में कोई दिक्कत, सौर तूफान आने वाले नहीं है, जो भी उसे मदद व जानकारी मिल जाएगी, तुरंत मदद भी मिल जाएगी। ठीक, कार्य प्रणाली देखा जाए इसकी क्या है। तो सनराइज मिशन में शामिल क्यूबसेट्स, जो 6 क्यूबसेट्स है, 6 क्यूबसेट्स सौर ऊर्जा संचालित है, ये सौर ऊर्जा से चलेंगे, जिसमें प्रत्येक का आकार एक टोस्टर ओवन के बराबर है। जो ये 6 क्यूबसेट है, तो 6 क्यूबसेट का समूह बनाएगा तो एक क्यूबसेट का जो आकार है, एक टोस्टर ओवन जो होता है उसके बराबर है। ठीक, सभी क्यूबसेट मिलकर 3D मैप बनाएंगे जिससे सूर्य के कण विस्फोटों का पता चल सके। ठीक, इसके अलावा और इसका जो पॉइंट है, ये क्यूब से सौर गतिविधियों से उत्सर्जित होने वाली कम आवृत्ति की रेडियो इमेजेस की पहचान करेंगे। ये क्यूबसेट जो है वो सौर गतिविधियों से उत्सर्जित होने वाली कम आवृत्ति, मिनिमम लो फ्रीक्वेंसी की रेडियो इमेजेस को पहचान करेंगे। उन्हें नासा के डीप स्पेस नेटवर्क के माध्यम से साझा किया जाएगा, क्यूबसेट का समूह पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर एक दूसरे से 6 मील की दूरी पर उड़ेंगे। क्यूबसेट होंगे वो एक दूसरे से 6 मील की दूरी पर पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर, लगभग हर क्यूबसेट 6 मील की दूरी पर उड़ेंगे। ठीक, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए जाए तो नासा ने सनराइज मिशन की रूपरेखा तैयार करने में उसके निर्माण और लॉन्चिंग के लिए $62.6 मिलियन राशि की घोषणा की। ठीक, नासा ने मिशन ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम के तहत सनराइज मिशन का चुनाव किया। ठीक, तो ये सनराइज मिशन के तहत शॉर्ट नोट वीडियो था। आपको जैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्मार्ट स्टडी विद देव को, जिससे आपको नए लेटेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।